आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा है, एनालाइज द डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। व्हाट इज द यूज ऑफ सी पेप्टाइड इन डायबिटिक पेशेंट्स। देखिए यहाँ पे जो डायग्राम दी है, पहले तो हमें समझना चाहिए कि ये ए चेन, बी चेन और सी चेन ये किन में प्रेजेंट होते हैं इंसुलिन के स्ट्रक्चर में। अब इंसुलिन में जो प्रो इंसुलिन होता है उनमें ए प्लस बी प्लस सी चेन होते हैं। इनमें ए और बी चेन ये जो है वो इंसुलिन के चेन होते हैं। इनमें जो सी चेन है ये बनाएगा इसे इनएक्टिव इंसुलिन, क्योंकि प्रो इंसुलिन ये इनएक्टिव इंसुलिन होता है। जब सी चेन को यहाँ पे देखिए फ्री किया है, ये ए और बी चेन साथ में आए और सी चेन को जब फ्री किया तो सी चेन को हमने क्या किया, फ्री मतलब रिमूवल, रिमूवल ऑफ सी चेन ये क्या करेगा, एक्टिवेशन ऑफ इंसुलिन मतलब यहाँ पे एक्टिव इंसुलिन बनेगा, सिर्फ ए और बी यानी एक्टिव इंसुलिन। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि सी पेप्टाइड यानी ये जो सी चेन है इसका यानी सी पेप्टाइड का यहाँ पे डायबिटिक पेशेंट्स में क्या रोल है, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज यूजफुल। हमारा आंसर होगा सी पेप्टाइड, ये है इट इज यूजफुल फॉर मॉनिटरिंग रेसिड्यूअल बीटा सेल फंक्शन। अब बीटा सेल क्या होता है, ये पैनक्रियाज में बीटा सेल जो प्रेजेंट होते हैं वही तो इंसुलिन सिक्रीट करते हैं। तो रेसिड्यूअल बीटा सेल का फंक्शन जो होता है हमारे बॉडी में इंसुलिन थेरेपी अंडर इंसुलिन थेरेपी। तो ये जो है वो सी पेप्टाइड का रोल क्या है ये यहाँ पे इन्होंने बताया है। जब इंसुलिन थेरेपी चालू रहती है तो बीटा सेल का जो फंक्शनिंग होता है, रेसिड्यूअल बीटा सेल का फंक्शनिंग, वो मॉनिटर करने के लिए ये सी चेन का या सी पेप्टाइड का यूज होता है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।